अपनी छोरी छोरों से कम है क्या? अब हमारी छोरी भी कुश्ती खेलेगी। सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ी अपनी हरलीन सानी, तुसी देख रहे हो विरसा लाइव टीवी। साढ़े नाल मौजूद है केसरी नंदन यानी कि चाहत। सत श्री अकाल चाहत। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। देखो अजे भी लड़ रहे ने, कुश्ती लड़ रहे ने पूरे जोरों शोरों नाल। हेलो चाहत। हाय। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰੀ ਨੰਦਨ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ? ਚੰਗਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਕੇ, ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ, ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ? ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਕੋ ਬੋਲਣੀ ਆਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਵੈਸੇ ਆਪ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ। राजस्थान, अगर आपको अब ये आप सीरियल कर रहे हो राजस्थान का, तो लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो आती नहीं होगी? नहीं, वैसे मैं राजस्थानी बोलती नहीं हूँ। राजस्थानी मैं जल्दी पकड़ लिया। मैंने जल्दी पकड़ लिया क्योंकि मैंने इससे पहले भी जो सीरियल्स की उसमें थोड़ा बहुत ऐसा लैंग्वेज था, तो मैंने जल्दी पकड़ लिया। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो शो है ना, वो सबके लिए है, तो राजस्थानी लहजा रखा है हमने, केवल भाषा बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं रखी हमने, सो ताकि सबको समझ में आ जाए। तो वो लहजा पकड़ने में बहुत टाइम लगा, वो क्विकली पकड़ लिया उसने बहुत ही। आप सर गुजरात से हो? जी मैं हाँ गुजरात से हूँ। राजस्थानी आपने भी लहजा वो पकड़ लिया? हाँ, वो तुरंत पकड़ लिया क्योंकि नेबर्स है ना, तो काठियावाड़ी बोलते बोलते ऐसे राजस्थान में चले गए। पूरे पोशाक च भी हो दोनों की राजस्थान, जिदा सीरियल से चल रहे हो। जैसे आपको पता लगा कि आपने एक ट्रेनर, एज अ ट्रेनर, रेसलिंग की ट्रेनर का आपको रोल मिला है, तो ये आपने सीखा कि ट्रेनिंग ली कि ऐसे ही सीरियल में चलना शुरू कर? नहीं नहीं, प्रॉपर नेशनल कोच के द्वारा हमें ट्रेनिंग दी गई थी और एक महीने की बहुत ही हार्ड कोर ट्रेनिंग थी, तो फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग सब कुछ। एक महीना बहुत ही टफ था स्टार्टिंग का, लेकिन वो ज़रूरी था ऐसे शो के लिए। ऐसे शो जब आपके पास आया था चाहत कि ये आपने रेसलिंग करना, एक दंगल अगर मैं कंपेयर करूँ, तो आपके मम्मा पापा ने कुछ कहा नहीं, नहीं चाहत चोट लगेगी ऐसा कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मम्मा ने बोला अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा शो, और मुझे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और इसमें मारपीट थी, वो भी लड़कों को मुझे मजा आता है। मानव, अगर मैं तनु पूछा आपको, अगर मैं पूछूं कि वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मानव कह रहे थे मैनू पौना पंजाबी आंदी बस, पौना पौना आंदी बस, कोई मस्ती करती है सेट पे ऐसी कोई चीज हो? ये एक दिन एक घंटा कोई ऐसा बीच है जहाँ पे मैं बताऊँ, मैं सच में नहीं मैं सच बताऊँ, दम करके रखा है ये, बताऊँ मैं आपको, मैं बताऊँ आपको दंग कर, मानव सर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, वो मस्ती करते हैं। वो मस्ती कैसी मस्ती करते हैं? प्रैंक्स। कैसे प्रैंक्स? मैं ये लोग ये तो झूठी बोलेंगे। अच्छा, आप बता दो कैसे बोलेंगे। हाँ, आप झूठी बोलोगे। जैसे मैं आपको दूर से देख रही थी, आप नटखट, आप कितने साल के हो? मैं 9। 9 साल के हो? आपको दूर से मैं देख रही थी, आप हर चीज का अच्छी तरह जवाब दे रहे थे। आपको इंस्पायर किसने किया इस चीज के लिए? मैरीकॉम। मैरीकॉम ने किया? आपकी फेवरेट मैरीकॉम है? और मैरीकॉम, गीता फोगाट। हाँ। आप मिले भी उनसे ना सेट में? मिली भी हूँ। मिले भी हो, तो कैसा लगा आपको उनके साथ मिलके, क्योंकि आप भी उनके जैसा ही एक रोल कर रहे हो? वो बहुत हम्बल है और मुझे बहुत इंस्पायर है, एंड आई हैड अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। रियली नाइस एक्सपीरियंस। अगर आपको चोटें भी नहीं लगती, क्योंकि मिट्टी में तो कंकर भी होते हैं छोटे छोटे से? मिट्टी में कंकर होता है, लेकिन थोड़ी बहुत चोट लगती है। आए दिन चोट लगती है, लेकिन लड़की बहुत ब्रेव और स्ट्रांग है। उसको कभी यहाँ दर्द होता है, कभी वहाँ दर्द होता है, कभी फाइट एक्शन, क्योंकि हर रोज एक्शन कुछ ना कुछ एक्शन होता है, तो चोटें लगती रहती है, बट आई थिंक वो अब खाना भी ठीक कर दिया उसने और स्ट्रांग भी हो गई पहले से। आपको ऐसा नहीं लगा कि छोटी सी बच्ची है, चोटें लग रही है, ये आपको इंस्पायर करती है कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कई बार जब तुलना करने तो बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि ये काम इतना अच्छा करती है और इतने सारे घंटों तक करती है, एंड दैट्स नॉट इट, शॉर्ट के बीच में जाकर पढ़ाई करती है, जो मुझे इतना इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि बिना शॉर्ट के मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था, बट आई थिंक शी इज़ ट्रिमेंडस। आई थिंक ये जो जनरेशन है ना, जिसे मिलेनियल्स बोलते हैं, वो बहुत कमाल के हैं, और चाहत उनमें से एक है। शी इज़ फैंटास्टिक एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन, एज अ डॉटर, शी इज़ फैंटास्टिक। कभी सर ऐसा नहीं लगा आपने इनकी मदर या फादर को बोला हो कि अभी तो इसका पढ़ने का टाइम है, अभी इस लाइन में क्यों डाल दिया आपने? मैं बिल्कुल बोलता, लेकिन मैंने जो इसकी शिद्दत देखी ना पढ़ाई को लेकर, तो मुझे लगा कि अच्छा, जब तक नींव बांधने में कोई करकसर नहीं हो रही है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, कर लो जो करना है, एज लॉन्ग एज यू नॉट, योर एजुकेशन इज नॉट सफरिंग। मुझे लगता है बच्चों का इनोसेंस और एजुकेशन अगर छिन जाए ना, तो गड़बड़ है। इनके माँ बाप ने इसका ध्यान रखा हुआ, ये खुद भी इतनी जिम्मेदार है दैट उसका ध्यान रखती है, तो मुझे इस विषय में इससे शिकायत नहीं है। आपने जैसे कहानी घर घर की, कसौटी कुसुम, वहाँ से लेकर अब ये केसरी नंदन तक का, आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा है, यादगार रहा है, जीवन के 20 साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को, और सेम एज एक्टिव वैसे ही हूँ।
जी, मैं और उसका उसका श्रेय मैं देना चाहूँगा कि एक कलाकार का जीवन ऐसे होता है ना कि हर एक कैरेक्टर से, हर एक नए स्क्रिप्ट से, हर एक नए दिन से हम इंस्पिरेशन जुटाते हैं और एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला है, एक बहुत ही बढ़िया बिटिया है और ये दूसरी सेट पे बिटिया है मेरी। सो आई थिंक इट्स बीन अ फैंटास्टिक, आई ओनली फील ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव गॉट। आपको चंडीगढ़ आके कैसा लगा? मैंने इसे तो पूछ लिया, चंडीगढ़ एक पंजाबी माहौल, मतलब ऐसा कुछ मिला हो चंडीगढ़ में आके, यार वाह निकली हो मुँह से। मैं चंडीगढ़ पहले भी कई बार आया हूँ, मैं जब नाभा जाता हूँ या पटियाला जाता हूँ क्रिकेट खेलने, तो मैं चंडीगढ़ में ही लैंड करता हूँ और यहाँ आते जाते ढाबे पे हम रोटी शोटी खा लेते। बाकी चंडीगढ़ इज़ फैंटास्टिक, मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हैं चंडीगढ़ में, ऐसे बहुत कुछ देखा नहीं है बट ऐसे एक एक ही दिन के लिए आए थे, बट इट्स अ फैंटास्टिक सिटी। रॉक गार्डन, रोज गार्डन कुछ भी नहीं देखा? रॉक गार्डन देखा हुआ मैंने, जी जी बहुत पहले देखा था मैंने। अगर पंजाबी में एक आपने कोई डायलॉग करना हो, केसरी नंदन को लेके कोई मैसेज देना हो पंजाबी में? केसरी नंदन को लेके जी आप सभी से साड़ी रिक्वेस्ट हैगी है कि आप सब 8:30 बजे कलर्स टीवी पे केसरी नंदन शो ज़रूर देखना, नहीं देखे तो मैं पापा ने बोल के जुतियाँ मरवाऊँगा। ऐसा कुछ भी पंजाबी था इसमें? कुछ भी नहीं था पंजाबी। 8:30 बजे केसरी नंदन जरूर देखियो, नहीं तो पापा ने कह के जुतियाँ मारूंगा।